हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबको कि अपने चैनल किरण्स किचन में। और फ्रेंड्स, अभी जो है ना, अभी का माहौल जो है, अभी का जो मौसम है ना, इसमें मूंगफली, तिल, तीसी, गजक, आप कभी भी बाजार जाइए, अभी जो गुड़ वाली पाक की जो खुशबू होती है ना, मीठी मीठी सी, मतलब एकदम आप उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, कितने अच्छे लगते हैं। तो बस संक्रांत का समय है, तो मैं भी तिल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। और देखिए ये कितनी क्लीन दिख रही है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि गुड़ ने इसे ओवर पावर कर लिया है, जैसे कभी कभी हो जाता है, बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि बंधती ही नहीं है। तो बस आप पूरी वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से आप भी घर पे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो किरण्स किचन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। इस तिल के लड्डू को बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो तिल लिया हुआ है, सफ़ेद तिल है। दो तरह की तिल आती है, काली भी आती है और सफ़ेद भी आती है। साथ में मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मूंगफली भी लिया हुआ है और 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, मतलब आधा किलो ये तिल है और 200 ग्राम मूंगफली है, तो मैंने 250 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है। तो ये सब तिल जो है बहुत साफ़ सुथरी है, क्लीन की हुई है। तो सबसे पहले हम इस तिल को भून लेते हैं। मूंगफली तो ऑलरेडी भुनी हुई है, तो मूंगफली को हम थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे एक मिक्सर जार में डाल के, क्योंकि हम गोटा नहीं डाल रहे हैं, मैं उसे ग्राइंड कर ले रही हूँ, जिससे कि वो जो शेप होता है ना, लड्डू जब बनती है तो जो शेप होता है ना, वो बिल्कुल राउंड होती है, नहीं तो मूंगफली के वजह से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आगे पीछे इस टाइप का शेप हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा कोर्सली ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पर इस तिल को भून लेते हैं। भूनना कितना है, जिससे कि इसकी खुशबू बाहर आने लगे। दूसरी की जैसे ये अभी वाइट है ना, थोड़ी देर में ये बिल्कुल गोल्डन सी, हल्की हल्की सी गोल्डन सी हो जाएगी। तो बस हमें उतना ही भूनना है। ज़्यादा भूनने से ना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा तीखा, हल्का सा तीतापन इसमें आ जाता है। तो देखिए हल्का भी हो गया, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ ना, चलाने में बिल्कुल हल्का हो गया। तो इसे बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब चलिए गुड़ का पाक बनाते हैं, तब तक तिल भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फिर से कढ़ाई को गर्म किया और इसमें एक मीडियम साइज का कटोरे से एक पानी डाला, फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे, मतलब उस कटोरे की आधी कटोरी फिर से पानी डालेंगे। अब यहां पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, तो ये सारे 250 ग्राम गुड़ को हम इसमें डाल देते हैं। गुड़ अच्छी क्वालिटी का लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि गुड़ में ना, जब वो मेल्ट होता है गुड़ जब पानी के साथ ना, तो जब चलाते हैं तो एकदम नीचे से जैसे मिट्टी जम जाए, इस तरह का रहता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, गुड़ अच्छी क्वालिटी का लेंगे, अच्छे से उसे देख के लेंगे। तो इस गुड़ को अब थोड़ा सा इसमें मेल्ट हो जाएगा, देखिए ये मेल्ट हो गई और गुड़ में उबाल भी आ गई है और खुशबू तो आ हा, क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन अभी ये अभी और होगी, इसको चेक करने के लिए देखिए, अब इसका देखिए किस तरह से गुड़ जो है वो चेंज होते गया। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया, पाक जो बोलते हैं वो बनकर रेडी है। मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा डालकर देखा तो वो पानी में मिली नहीं, मतलब वो बंध गई। और ये एक तार की चाशनी जब बनकर रेडी हो जाएगी ना, तो ये गुड़ जो है, ये गुड़ का पाक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब सब कुछ तैयार है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो मैंने तिल भुना हुआ बर्तन में रखा था, साथ ही इसमें मैंने मूंगफली मिला दिया, उसमें इस पाक को इस तरह से डाल देंगे और एक चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो ये तिल का वाइटनेस है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हर तिल में मतलब गुड़ लग जाए। यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि इसमें मैंने मूंगफली भी डाला हुआ है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है।
और इसे बहुत देर तक हमें इसे छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो जैसे ही ये पाक जो है ये ठंडा होगा ना तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम करेगा बांधने में, जैसे लड्डू बनाने में ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो देखिए ये किस तरह से जैसे वाइट था अभी पूरा कलर चेंज हो गया ना। अब हम इसे क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे हथेलियों पर और छोटा छोटा लेकर इस तरह से इसे बांधेंगे। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि अगर पाग बहुत गर्म है तब भी वो जल्दी नहीं बंधेगा, और अगर पाग जैसे थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो भी नहीं बंधेगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि थोड़ा सा जैसे उसका हल्का सा भाप जैसे मिलाते वक्त तो निकल ही जाएगा, तो बस इस तरह से राउंड राउंड शेप देकर हम इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो ये सारे तिल के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में, और साथ में जो मैंने मूंगफली ग्राइंड करके डाला है ना इससे इसका स्वाद डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से घर पे बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई और बेहद अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी संक्रांति टू योर फ्रेंड्स।